नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पीसीओडी के दर्जनों केसेस मैंने हैंडल किए हैं और हर पेशेंट ठीक होने के बाद और इलाज के दौरान एक सवाल ज़रूर पूछता है कि सर हम ऐसा क्या करें कि हमें पीसीओडी दोबारा ना हो या पीसीओडी या हमारा ओवेरियन सिस्ट जल्दी ठीक हो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक और ओवेरियन सिस्ट का वंडर क्योर जो कि बहुत ही पुराना 11 साल पुराना केस था और जो होम्योपैथी से बड़े आराम से ठीक हुआ। साथ में मैं उस जीवन शैली के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल, कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शन और कुछ डाइट रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा जिससे कि अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो वो जल्दी ठीक हो और नहीं है या ठीक हो चुका है तो दोबारा ना हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं डाइट रेगुलेशन या जीवन शैली में बदलाव जिससे हम हमारे ओवेरियन सिस्ट को जल्दी ठीक कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, मेन पॉइंट जो मैंने सीखा है कि ओवेरियन सिस्ट एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, खास करके सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी अगर आपकी एक्टिविटी कम है और अगर आपका शुगर इंटेक ज़्यादा है, चाहे कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में हो, चाहे मिठाई के फॉर्म में हो, चाहे स्नैक्स के फॉर्म में हो या नमकीन के फॉर्म में भी हो, तो अगर आपकी कैलोरी या शुगर इंटेक ज़्यादा है तो आपको ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं कि किन किन चीज़ों के बदलाव से हम ओवेरियन सिस्ट से बच सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के केस की तरफ। ये पेशेंट मेरे पास मार्च 2023 में आई थी। इनको 11 सालों से ओवेरियन सिस्ट था, जी हाँ 11 सालों से, और ये अपने तरफ से हर डॉक्टर, हर पॉसिबल डॉक्टर, सर्जन और मॉडर्न मेडिसिन में जितना पॉसिबल हो सकता था, जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हो सकते थे, इन्होंने सबको दिखाया। दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी कई जगहों पर इन्होंने दिखाया, लेकिन इन्हें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। इस ओवेरियन सिस्ट की वजह से इनका एक बार मिसकैरेज भी हो चुका था और इस लार्ज सिस्ट के कारण ये दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। इनको कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इन्होंने कई ट्रीटमेंट लिया, कंसीव करने के भी कई तरीके इन्होंने अपनाए और डॉक्टर के गाइडेंस पे, गायने के गाइडेंस पे इन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ ली, लेकिन फिर भी इनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। इनकी मदर, जिनको पीयू जो ऑब्स्ट्रक्शन था, एडोनोफ्रोसिस थी, वो मेरी दवाई से ठीक हुई थी। वो केस फिर कभी मैं डील करूँगा। तो इनको जब मालूम हुआ कि ऐसी बीमारी जो कि हर तरह से सर्जिकल ही थी, 100% सर्जिकल कैटेगरी में होती थी और जो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती थी वो भी होम्योपैथी से ठीक हुई, तो इनको इंस्पिरेशन मिला कि
ये भी अपनी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में कराएं। तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया, मेरी क्लिनिक पे आई। मैंने जब इनका केस लिया तो इनको कई सारी प्रॉब्लम थी। इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी था, इनकी ओबेसिटी थी, वज़न बहुत ज़्यादा था, इनके पीरियड्स इरेगुलर रहते थे और 11 सालों से ओवर इंसिस्ट तो था ही इनकी। और फर्दर मैंने केस डिटेल ली तो मैंने पाया कि इनके वार्ट्स होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। इनके एक्जिला और कई पार्ट्स पे इनको मस्से होते थे, इनकी स्किन ड्राई थी, इनके हेयर्स ड्राई थे, लेकिन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन फेशियल हेयर्स इनके काफ़ी ज़्यादा आते थे, यानी नॉर्मल से ज़्यादा आते थे। सारे केस को लेकर के जब मैंने टोटलिटी करी तो जो मेडिसिन पहले नंबर पे आई, दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, मैं कुछ चीज़ों से फेडअप हो चुका हूँ। लोग क्या करते हैं, मैं अपने वीडियो में एक खास पेशेंट को लेकर के, उसके खास टोटलिटी को लेकर के वीडियो बना करके उनके जो ट्रीटमेंट है उसको मैं रिवील करता हूँ, उसको मैं डिस्क्लोज करता हूँ, ताकि ये मेडिसिन हमारे डॉक्टर्स के काम आए, डॉक्टर्स को गाइड करे, जो खास करके जो नए होम्योपैथ हैं जिन्होंने नई नई प्रैक्टिस शुरू की है या जो नए नए प्रैक्टिस में आए हैं या होम्योपैथी में आए हैं, उनको थोड़ी गाइडलाइंस मिले। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मेरे वीडियो से दवाइयों के नाम निकाल करके उसे खुद से लेना शुरू करते हैं और इससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने थोड़ी सी फीस बचाने के लिए, बहुत थोड़े से पैसे बचाने के लिए, उन्होंने खुद से दवाइयाँ लेनी शुरू की और उनकी हालत बड़ी बिगड़ गई। तो दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने ऑर्गन को अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें। तो चलते हैं वापस इस केस पे आते हैं। मैंने जब इनका केस डिटेल लिया, टोटलिटी सारी करी, इनके सारे सिम्टम्स जब मैंने डाले, तो जो सबसे पहले और सबसे अच्छी मेडिसिन जो कि इंडिकेटेड भी थी इनके लिए, कई मेंटल सिम्टम भी मैच कर रहे थे, मेंटल सिम्टम को डिस्क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कई बार पेशेंट की प्राइवेसी जो है वो हैम्पर होती है, लेकिन टोटलिटी में वो सिम्टम डालने से उनकी प्राइवेसी हैम्पर नहीं होती, वो पता लग जाता है कि हाँ हम उसे मॉडिफाई करके रूब्रिक के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो जो मेन मेडिसिन आई वो थी थूजा, और थूजा एलम्पोटेंसी में मैंने इनकी शुरू की। पहले मैंने की दवाई के बाद इनको काफ़ी रिलीफ मिला, पीरियड्स इनको टाइम पे आने लगे, स्किन की जो एक्सेसिव ड्राइनेस थी वो कम हो गई, और काफ़ी सारे सिम्टम, मतलब जो मेंटली ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील करती थी इस बीमारी की वजह से, इतनी इलाज की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका वज़न वगैरह भी बढ़ गया था, तो काफ़ी चीज़ें इनकी कंट्रोल होनी शुरू हो गई। फिर सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन मैंने थूजा LM2, फिर LM3, LM4, इस तरह से मैंने कंटिन्यू इनकी करी। साथ में कुछ और सपोर्टिव मेडिसिन थी, वो सपोर्टिव मेडिसिन का नाम बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि फिर वही होता है, लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और अपना हार्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल चैट पे आकर के अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं ज़रूर उन दवाइयों के नाम बताऊँगा जो सपोर्टिव थी। तो मैंने इनकी दवाई 3 महीने तक कंटिन्यू करी। 3 महीने बाद जब इनका कॉल आया, ये दिल्ली के बाहर के पेशेंट हैं, इनका कॉल जब मेरे पास आया तो इन्होंने मुझे गुड न्यूज़ दिया। गुड न्यूज़ क्या थी कि शी वॉज प्रेग्नेंट, कि उनकी प्रेगनेंसी हो चुकी थी। उसके पहले ये जब मेरे पास आई थी तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, कोई सिस्ट नहीं था, लेकिन चूंकि ये कई सालों से परेशान थी तो इन्होंने मेडिसिन बंद नहीं की। इन्होंने कहा कि सर मैं मेडिसिन अभी कंटिन्यू करूँगी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अब जब तक कहोगे मैं कंटिन्यू करूँगी, अगली रिपोर्ट तक वेट करते हैं। मैंने बोला दैट्स रियली गुड। तो जब इनका कॉल आया और इन्होंने मुझे कहा कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत खुश हुआ कि इतने सालों से ये ट्राई कर रही थी, इस बीच मिसकैरेज भी हो गया, और ऐसे केसेस में पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी बड़ी खुशी होती है कि आपने किसी की फैमिली में, किसी की लाइफ में खुशी लाया, और ये खुशी सच्ची खुशी होती है जिसे पैसों से या किसी दूसरी चीज़ों से नहीं खरीदा जा सकता, ये सिर्फ परमात्मा की देन होती है। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर प्रेगनेंसी में ये सब दवाइयाँ सेफ होंगी। मैंने बोला कि भाई आप प्रेगनेंसी में ये दवाई क्यों लेना चाहती हैं, ऐसा नहीं कि ये दवाई नुकसान करेगी, लेकिन आपका टारगेट था कि PCOD ठीक हो जाए, आपका ओवेरियन सिस्ट ठीक हो जाए। इन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, मैंने कहा हाँ। मैंने भाई जब प्रेगनेंसी हो गई तो भी दवाई की क्या ज़रूरत है, क्यों दवाई खानी है। तो मैंने तत्काल उनकी सारी दवाइयाँ बंद कराई, उनकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी वे में चल रही है, मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, उनके कॉन्टैक्ट में भी हूँ, वो रेगुलर मेरे से सलाह लेती रहती हैं, तो अभी उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का सिस्ट नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अपरेंटली शी इज हेल्दी लॉन्गर। तो दोस्तों ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें कि लोग निराश रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, सारे इलाज करा के परेशान हो जाते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर कहीं से एक आशा की किरण दिखती है और वो एक अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाते हैं और वो उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। एक बार फिर से होम्योपैथी ने प्रूव किया
कि क्यों ये दवाई, क्यों ये इलाज, क्यों ये पैथी इतनी अच्छी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊँगा आपके पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए कोविड केस के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।